हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट है। मेरे प्यारे साथियों, आज 17 फरवरी 2019 वार रविवार की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द एक्सपर्ट कमिटी लेड बाई अनूप सतपथी, फेलो ऑफ वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर फिक्सेशन ऑफ द नेशनल मिनिमम वेज टू द गवर्नमेंट। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के साथी अनूप सतपथी के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति ने सरकार को राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यप्रणाली के निर्धारण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड द नॉर्थ कर्नाटका एग्रोमेट फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर, इंडियाज फर्स्ट एग्रोमेट फॉरकास्ट सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस UAS इन धारवाड़ कर्नाटका। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने धारवाड़ कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र नॉर्थ कर्नाटक एग्रोमेट फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। द फिफ्थ इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग को चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश डॉक्टर अब्दुल मोमेन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। पांचवी भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल मोमन की सह अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई। आइए बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट, रैंकिंग रिपोर्ट की। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2019 रिपोर्ट। एज पर द रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वाज फॉल टू 4.9% इन 2019 एंड रिमेन्स स्टेडी इन 2020। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2019 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में बेरोजगारी दर 4.9% तक गिर जाएगी और 2020 में स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS 2019 द फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी वाज इनोग्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ WSDS 2019 वाज अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रोमिस। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रमुख कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया। WSDS 2019 का विषय है अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस। नेक्स्ट, अर्ली एड एशिया 2019 द टू डे इवेंट विच इज एशियाज लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड वाज हेल्ड एट द सिटी प्लेस इन जयपुर, राजस्थान। The motto of the event was Our Children, Our Future.
अर्ली एड एशिया 2019 दो दिवसीय कार्यक्रम है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था पर एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। यह राजस्थान के जयपुर में सिटी पैलेस में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है अवर चिल्ड्रन अवर फ्यूचर। आइए बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या तकनीकी समाचारों की। नासा हैज अनाउंस्ड ए न्यू स्पेस टेलीस्कोप मिशन डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स। इट्स कॉल्ड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इपोस ऑफ रियो ओनेजाइसे एंड आइसिस एक्सप्लोरर और स्पेयर हेक्स फॉर शॉर्ट। द स्पेस एजेंसी इज एमिंग फॉर ए 2023 लॉन्च। नासा ने जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए समर्पित एक नए अंतरिक्ष दूरबीन मिशन की घोषणा की है। इसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स अपोच ऑफ रीयनाइजेशन एंड आईपीएस एक्सप्लोरर या संक्षेप में स्पेयर हेक्स नाम दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी 2023 तक लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। आइए बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज विविध समाचारों की। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI लॉन्च्ड ए न्यू पोर्टल लिस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम लेडीज फॉर रियल टाइम डाटा ऑन अवेलेबल डेप्थ ऑन स्ट्रेचेज ऑफ नेशनल वाटरवेज। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने राष्ट्रीय जलमार्गों के विस्तार पर उपलब्ध गहराई पर वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए एक नया पोर्टल लिस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम लेडीज लॉन्च किया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, अमेजन लॉन्चेज अमेजन पे अनफील्ड पेमेंट इंटरफेस UPI फॉर एंड्रॉयड यूजर्स इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक टू इशू UPI IDs टू इट्स कस्टमर्स इन इंडिया। अमेजन ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में भारत में अपने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए UPI ID जारी करने के लिए अमेजन पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI लॉन्च किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। हमारे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें और UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अनअकैडमी इंस्टा और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।